नाज़रीन आदाब, मैं हूं शबी हैदर और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। मेरे साथ में इस वक्त में उमेद साहब मौजूद हैं जो गोंडा के रहने वाले हैं, गोंडा के रहने वाले ना। जी जी, जी। तो ये बताइए क्या हुआ था उस वक्त जब आपके बेटे गोली निकली? सर उस टाइम ये हुआ था, एक ही दम से उधर से नारे लगते हुए आए थे, जय सियाराम के नारे लग रहे थे और सब लोग जितने भी थे पूरी गली के हिंदू और मुसलमान हम सब गली के पास खड़े हुए थे जिससे कि गली के अंदर ये घुस ना सकें। तो इतनी देर के बाद में उन्होंने जो है फायरिंग खोल दी, फायरिंग चालू कर दी। पहले एक लड़के के पेट में गोली लगी, उसके दो सेकंड के बाद ही वो हमारे बेटे के गोली लगी, आँख के ऊपर गोली लगी, यहाँ लगने के बाद में पीछे गोली निकल गई। कितनी गोली लगी थी बेटा? एक ही गोली लगी सर। एक गोली लगी थी? जी हाँ। कहाँ कहाँ लगी थी? सिर्फ आँख पे लगी, यहाँ पे लगी और पीछे निकल गई तो गिर चुका था वो। ऑन द स्पॉट खत्म हो गए? नहीं, उसके बाद में फौरन ही हमने वो सब छोड़ा और उसको स्कूटी पे, एक हमारा दामाद, एक हमारा देवता, एक छोटा बेटा लेके फौरन ही उसको, लड़के को, और चल दिए थे। आगे जाके माहौल तो ठीक था ही नहीं सर, आगे जाके जब उन्होंने देखा तो वहाँ तलवारें चल रही थी, सर कट रहे थे, किसी का हाथ काट रहे थे, किसी के पेट में मार रहे थे, मगर वो अपना निकल गए हैं वहाँ से दिल पक्का करके कि जो होगा ऊपर वाला करेगा। शास्त्री पार्क पहुँचे, उन्होंने मना कर दिया था कि आप इनको जो है सीधे हॉस्पिटल ले जाओ अर्बन, वहाँ से लेके वो सीधे अर्बन के लिए तैयार। अच्छा, तो शास्त्री पार्क हॉस्पिटल आप गए थे तो वहाँ से मना कर दिया गया था, तो उसके बाद आप कहाँ ले गए? अर्बन हॉस्पिटल, ये दिल्ली गेट के पास जो है। अच्छा, दिल्ली गेट के पास जो है अर्बन हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर आए। तो कितने लोग थे वहाँ पर जब आपने बताया कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग आ रहे थे? कम से कम 250-300 आदमी थे। 250-300? जी सर। कितना वो जिनको गोली लगी, कितने लोगों को गोली लगी थी वहाँ? हमारे यहाँ लगी चार आदमी, चार को लगी, चार गोली, चार लोगों को गोली लगी, जिसमें एक एक आपका बेटा था। जी हाँ, वो ख़त्म हो गया, बाकी तीन ठीक। अच्छा, अभी तीन जो है वो अभी जिंदा है? ठीक 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 है अपने घर। उन लोग को कहाँ गोली लगी? एक के यहाँ लगी गोली, क्रॉस होकर चली गई, वो भी अर्बन में ही उसका इलाज हुआ है, अब वो घर पर है। एक के पैर में गोली लगी, वो भी अपने घर पर है। एक के हाथ में गोली लगी, वो गाँव चला गया। तो सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिला है? हाँ, 1,00,000 रुपया मिला है। अच्छा, कौन? दिल्ली सरकार की तरफ से? जी हाँ, दिल्ली सरकार।